हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम क्लास सिक्स की हिस्ट्री का जो है एनसीईआरटी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट वन, जो क्लास सिक्स की एनसीईआरटी है। एंड इसमें हम जो है ऑलरेडी 5 चैप्टर्स जो है इसके वो कंप्लीट कर चुके हैं। सो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया था, जिसके बारे में हम जो है किंग्स के बारे में बात कर रहे थे, किंगडम्स के बारे में कर रहे थे कि कुछ जो लोग हैं, हाउ सम मैन बिकेम द किंग्स, वो किस तरह से किंग बनते हैं उनके बारे में बात की थी। अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करके वो राजा बन जाते हैं, राइट? तो उनके बारे में बात की थी। एंड जो उस समय में, अगर वैदिक इरा की बात करें, तो उस समय में जो राजा यहाँ पे बनते हैं, राइट, वो जो है इन राजाओं से किस तरह से डिफरेंट होते हैं, उनके बारे में भी जो है आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो है क्या डिफरेंस रहते हैं एक्चुअल में, अब क्या क्या चीजें जो है नहीं आती हैं, तो क्या डेवलपमेंट्स यहाँ पे होती है किंगडम्स के बीच में। कुछ यहाँ पे जो एरियाज थे वो जनपद्स बन जाते हैं, कुछ महाजनपद्स बन जाते हैं, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पे कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो जनपद्स एंड महाजनपद्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू कांट अफोर्ड टू मिस दीज टॉपिक्स, राइट? एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स। सो दिस इज अ टेलीग्राम लिंक ऑफ माई चैनल। तो इसपे जो है क्या होगा, आपको जो डेली पीडीएफ है, मेरी जो डेली क्लासेस यहाँ पे होंगी उसकी जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। एंड इसे आप फॉलो कर लीजिएगा, एंड कोई भी अपडेशन हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग वो भी जो है आपको यहाँ पे मिलती ही रहेगी। सो दिस इज अबाउट मी। आई एम अ फाउंडर ऑफ नवनीत आईएएस अकेडमी एंड आई हैड मोर देन 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन यूपीएससी कोचिंग ऑलरेडी। यूपीएससी सीएससी मीन्स जो है वो क्लियर कर चुकी हूँ। एंड ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एमफिल एंड एमएससी जो है कंप्यूटर साइंस में कर रखी है मैंने। एंड आई एम ऑल्सो अ यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलर इन द मैथमेटिक्स, एंड आई एम ऑल्सो पैशनेट अबाउट टीचिंग। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जनपद्स एंड द महाजनपद्स, राइट? तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कुछ लोग जो है वो सडनली राजास बन जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करके जो है वो राजा बनते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस जो हैं वो यहाँ पे किए थे उन्होंने, राइट? द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ द जनपद्स रेदर देन द जनास। पहले यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे वो ओनली एक छोटी सी कम्युनिटी के राजा हुआ करते थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपनी कम्युनिटी में से कुछ लोग जो है वो जो सीनियर पर्सन होते हैं, राइट, उन्हें जो है वो अपने लीडर बना लेते थे या फिर उन्हें अपना जो है राजा बना लेते थे। बट अब क्या है, अब जो है ये जो बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करके ये जो लोग हैं वो एक पूरे जनपद के जो है वो राजा बन जाते हैं। जनपद मीन जो है एक कोई एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया जो है, राइट, उसके जो है वो यहाँ पे किंग बन जाते हैं। तो एक जो बाउंड्री होती है वो अब यहाँ पे सेट कर दी जाती है कि इस राजा की जो बाउंड्री है, उसके एरिया की जो बाउंड्री है, सपोज यहाँ तक है, राइट, एंड ये जो पूरा एरिया यहाँ पे पड़ता है, एंड इसका जो राजा है, राइट, वो ये रहेगा, एंड इससे बाहर जो दूसरी टेरिटरी है उसका राजा कोई और होगा। इस तरह से जो है एक पूरा जो जनपद होता है उसके जो है वो राजा बन जाते हैं, राइट? सो वर्ड जनपद जो है, जिसका मीनिंग क्या है, दैट द लैंड, एक ऐसी लैंड यहाँ पे जो जो जन है, जन मीन जो लोग हैं वो उन्होंने अपने एक तरह से पैर जमा लिए, मीन वहां पे जाके जो है वो सेटल डाउन हो चुके हैं, एंड अब जो है वहां से वो कहीं नहीं जाएंगे। सो आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने जो है कई सारी ऐसी सेटलमेंट्स को फाइंड किया है जब वो एक्सकेवेशन कर रहे थे। तो लाइक यहाँ पे पुराना किला हो गया दिल्ली में, वो भी जो है एक समय में जनपद हुआ करता था। देन मेरठ की बात करें तो वहां पे हस्तिनापुर है, एंड देन उसके बाद में अतरंजी खेड़ा है नियर दी इटा यूपी में, राइट? तो ये कुछ यहाँ पे जनपद हुआ करते थे उस समय की, अगर हम यहाँ पे बात करें तो। तो उन्हें जो है ये देखने को मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि जो लोग थे वहां पे वो हट्स में रह रहे थे, एंड इन्होंने क्या किया था कि कैटल भी जो है वो यहाँ पे रखी हुई थी, एंड कुछ और एनिमल्स भी यहाँ पे इन्होंने पाले हुए थे, एंड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो हैं वो भी ये ग्रो करते थे, राइस, व्हीट, बाले, पल्सिस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड, ये कुछ क्रॉप्स थी जिन्हें जो है ये ग्रो करते थे, राइट? सो एंड उसके बाद में जो है अब जो है ये अर्दन पोर्ट्स भी बनाया करते थे।
जनपद्स में कौन से टाइप के अर्थन पोर्ट्स ये बनाते थे? ये जो थे ग्रे कलर के थे, राइट? एंड कुछ यहाँ पे रेड कलर के पोर्ट्स भी इन्होंने बनाए थे। एक स्पेशल टाइप की पोटरी जो है आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है इन साइट्स में, तो उन्हें हम जो है पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जो है जान सकते हैं। सो दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? पेंटेड ग्रे वेयर, तो जैसे कि आपको जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो कलर होगा वो ग्रे होगा इस इन पोर्ट्स का। एंड इसके ऊपर जो है कुछ पेंटेड डिजाइंस जो होते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल डिजाइंस हो गए, या फिर जो है सिंपल लाइंस यहाँ पे होगी, या फिर इस तरह के जिगजैग टाइप के कुछ डिजाइंस यहाँ पे बनाए हुए थे। तो इस तरह की पोर्ट्रीज जो है वो यहाँ पे मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को, राइट? सो नेक्स्ट है हमारे पास अब महाजनपद। महाजनपद जो है ये क्या था, क्या होता है यहाँ पे, कि हमने देखा था कि जो किंग थे वो जनपद के राजा बनते थे, बट उन्हीं में से कुछ जनपद जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, या फिर जो राजा है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो उनके एरियाज आप जो है क्या कहलाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए जाते हैं, उन्हें जो है महाजनपद बोला जाने लगा था। तो ये जो है क्या होता है कि अराउंड 2500 ईयर्स एगो की अगर हम यहाँ पे बात करें, 2500 ईयर्स एगो की अगर बात करें, तो यहाँ पे कुछ जनपद जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं देन दी अदर्स, तो इन्हें जो है महाजनपद जो है बोला जाने लगा था। तो ये जो जनपद थे एंड महाजनपद थे, इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या था? ये जो महाजनपद हुआ करते थे, इनकी जो है कैपिटल सिटीज हुआ करती थी। ऑन दी अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट दी जनपद, उनकी कैपिटल सिटीज नहीं हुआ करती थी, ओके? एंड ये जो महाजनपद थे, इन्हें जो है 45 भी किया हुआ था, मीन जो इनका एक बाउंड्री है या फिर इनका जो एरिया है, राइट, उसे सेट करने के लिए, या फिर अपने लोगों को एक तरह से सिक्योर करने के लिए इन्होंने जो है किलाबंदी जो है पूरे एरिया की करवा रखी थी। फोर्टिफिकेशन जो होते हैं, किले जो है वो यहाँ पे बनवा रखे थे। तो इसका मतलब ये है, अगर ये फोर्टिफिकेशन करेंगे तो इन्हें जो है बड़ी बड़ी वॉल्स बनानी होंगी अपनी बाउंड्री के इर्द गिर्द, राइट? या तो वो वुड के साथ बनेगी ये जो बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, या फिर जो ईंटों के साथ बनेगी, या फिर स्टोन के साथ बनेगी। तो क्या था, ये जो फोर्ट्स थे ये प्रोबेबली इसीलिए बनाए गए थे कि जो दूसरे राजा हैं वो इनके एरिया के ऊपर अटैक ना करें एंड अपने लोगों को जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा दें। एंड ऐसा भी माना जाता है कि कुछ राजा जो है वो अपने आप को ज्यादा अमीर दिखाना चाहते थे, ज्यादा पावरफुल दिखाना चाहते थे, एंड क्योंकि उन्होंने जो है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी, इतनी टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स यहाँ पे बनाई थी अराउंड सिटीज, तो इनके थ्रू जो है वो अपनी पावर जो होती है अपनी जनता को दिखाना चाहते थे, सो डेट कि उनकी जो जनता है या फिर जो जना है वहां की, वो जो है इनके ऊपर विश्वास करें, ओके? अब क्या था, ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड पीपल लिविंग इन साइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजिली बाय द किंग। तो एक और यहाँ पे रीजन हो सकता है कि अगर फोर्टिफिकेशन ये यहाँ पे कर देंगे किसी पर्टिकुलर एरिया की, तो उसके अंडर, उस टेरिटरी के अंडर जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करना राजा के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, ओके? तो ऑब्वियसली अब इतनी बड़ी बड़ी जो है ये यहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े फोर्ट्स बना रहे हैं, तो इन फोर्ट्स को बनाने के लिए एक प्लानिंग यहाँ पे ऑब्वियसली करनी होगी। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे चाहिए होगी इन फोर्ट्स को बनाने के लिए। एंड ये जो ब्रिक्स अब कौन लगाएगा, इसके लिए लेबर भी इन्हें चाहिए होगी, ओके? तो थाउजेंड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो एज ए लेबर यहाँ पे काम करेंगे। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, तो कुछ और भी रिसोर्सेज जो हैं इन सब के लिए जो है अब फाइंड करने थे। इन्हें लेबर चाहिए थी, ब्रिक्स चाहिए थी, सीमेंट चाहिए था, तो ये सारे रिसोर्सेज इन्हें चाहिए थे। तो ये कहाँ से आप अरेंज करेंगे ये सारे रिसोर्सेज? तो इसी की वजह से अब जो राजास थे, इन्होंने अब आर्मीज भी मेंटेन करनी स्टार्ट कर दी थी महाजनपद्स में, राइट? सो प्लीज कीप इन माइंड कि जब महाजनपद्स यहाँ पे बनते हैं, तो अब जो राजाज हैं वो थोड़े से और डेवलप हो जाते हैं, उन्होंने अब जो है आर्मीज को भी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था। तो इन आर्मीज में जो सोल्जर्स हुआ करते थे, उन्हें रेगुलर सैलरीज मिलती थी एंड इन्हें जो है थ्रू आउट द ईयर सैलरीज जो है वो दी जाती थी, ओके? तो कुछ पेमेंट्स यहाँ पे पंच मार्क्ड कॉइन्स यूज किए जाते थे, राइट? पंच मार्क्ड कॉइन्स का यहाँ पे यूज किया जाता था सैलरी देने के लिए। सो दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है वो यहाँ पे यूज किए जाते थे महाजनपद में फॉर द पेमेंट ऑफ द सैलरीज।
सो दीज आर दी 16 महाजनपद जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस होते हैं। आप मैप में देख सकते हो यहाँ पे कुरु, पंचाला, कौशल, माला, वरिजी, काशी, आंगा, मगध जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। देन उसके बाद में वत्स, श्रुसेना, मत्स्य, अवंती, राइट। देन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है हमारे भारत का, दिस वन इज द गंधारा कंबोज। तो ये कुछ जो है। देन इसके बाद में हमारा जो साउदर्न पार्ट की बात करें, डेक्कन एरिया की बात करें, तो यहाँ पे असागर रहता है। तो 16 महाजनपद जो थे, जो कि अराउंड 2500 ईयर्स एगो की अगर हम बात करें, 2500 साल पहले की बात करें, तो ये 16 महाजनपद जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, अब जो है एक और डेवलपमेंट यहाँ पे आती है, क्योंकि हम देख रहे थे कि ये जो महाजनपद के रूलर्स थे वो बड़े बड़े फोर्ट्स बना रहे थे, इवन जो है ये आर्मीज को भी मेंटेन कर रहे थे, तो इन्हें जो है और ज्यादा रिसोर्सेज की यहाँ पे जरूरत थी। ऑब्वियसली आप जो है इन्होंने सैलरीज भी निकालनी थी, फोर्ट्स भी बनाने थे, तो इन्हें जो है मनी की भी जरूरत रहेगी। ओके, तो दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज। तो आप क्या होता है कि ये सारी रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए इन्हें आप जो है कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी जरूरत थी। आप क्या होता है, सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द ओकेजनल गिफ्ट्स, जैसे कि पहले हमने यहाँ पे देखा था कि जो राजा थे वो टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे, वो आर्मीज को मेंटेन नहीं करते थे, कोई इस तरह की फोर्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं होती थी, तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड होते थे, कई बार जो लोग उनके पास आते जाते थे, राइट, तो जो लोग हैं उन्हें एज ए ओकेजनली गिफ्ट यहाँ पे दे दिया करते थे, उनके ऊपर ही वो डिपेंड रहते थे। बट आप क्या था, यहाँ पे इतना सारा खर्चा जो है वो इन गिफ्ट से आप नहीं निकाल सकते थे, जो महाजनपद का जो खर्चा होता है। तो क्या होता है, अब उन्होंने रेगुलर टैक्सेस जो होते वो जनता के ऊपर लगाने स्टार्ट कर दिए थे। ओके, तो किन किन चीजों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे महाजनपद में अराउंड 2500 ईयर्स एगो की हम यहाँ पे बात करें तो? सो दिस थिंग्स आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन कौन सी चीजों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे? दी नंबर वन इज दी टैक्सेस ऑन दी क्रॉप्स, क्रॉप्स के ऊपर थे। एंड क्योंकि उस समय में जो मोस्टली लोग थे वो फार्मर्स ही हुआ करते थे, तो यूजली जितनी भी यहाँ पे पैदावार होती थी, जितना भी प्रोड्यूस यहाँ पे होता था, उसका 1/6 पार्ट जो है वो एज ए टैक्स राजा के पास जाता था। तो ये जो 1/6 पार्ट है इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता था, डेट इज दी भाग, ओके, और दी शेयर। सो दीज वर दी टैक्सेस ऑन दी क्राफ्ट पर्सन एज वेल। तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे टैक्सेस थे वो थे क्राफ्ट पर्सन के ऊपर, जो कारीगर हुआ करते थे, राइट। ये जो अब क्राफ्ट पर्सन जो है वो टैक्सेस कहाँ से देते थे, वो जो है एक तरह से लेबर प्रोवाइड करवाते थे, वो भी एक टैक्स के तौर पे ही हो गया कि आपको टैक्स के तौर पे जो है हमें लेबर प्रोवाइड करवानी होगी। तो कुछ समय, साल के कुछ समय जो है वो यहाँ पे राजा के पास जाके काम किया करते थे एज ए लेबर, तो वो उनका टैक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अ वीवर या फिर जो स्मिथ होता है उन्हें काम करना होगा फॉर ए डे एवरी मंथ, मीन हर मंथ जो है एक दिन के लिए राजा के पास जाके जो है एज ए लेबर काम करना ही होगा। देन थर्ड नंबर पे जो हर्डर्स हुआ करते थे, राइट, उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता था दैट दे हैव टू पे दी टैक्स। तो वो क्या करते थे, जो एनिमल जो होते थे जो यहाँ पे वो हर्ड किया करते थे वो एज ए टैक्स उन्हें दे देते थे, या फिर एनिमल का जो प्रोड्यूस होता है, दूध दही जो चीजें होती हैं, वो भी जो है एज ए टैक्स वो राजा को दे देते थे। देन उसके बाद में फोर्थ नंबर पे टैक्स कौन सा था, देयर वर ऑल्सो द टैक्सेस ऑन द गुड्स। अब चीजों के ऊपर भी टैक्सेस लगाए जाते थे जिन्हें खरीदा जाता था एंड बेचा जाता था थ्रू द ट्रेड। ओके, एंड देन उसके बाद में नंबर 5 पे आ गए हंटर गैदरर्स, राइट, इनको भी टैक्स देना होता था। तो ये क्या करते थे हंटर गैदरर्स, वो ऑब्वियसली यहाँ पे आप जो है वो जंगलों में रहा करते थे, तो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है वो राजा को दिया करते थे एज ए टैक्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ओके, सो नेक्स्ट, अब जो है यहाँ पे अराउंड 2500 ईयर्स एगो की बात करें, तो इस समय में आप जो है एग्रीकल्चर में भी जो है कई सारे चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस थे, डेट देयर वर द टू मेजर चेंजेस थे। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशर,
राइट, दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे क्या होता है, आप जो हल यहाँ पे ये यूज कर रहे थे, बट वैदिक ईरा में हमने देखा था, वैदिक पीरियड में जो ये हल यहाँ पे यूज कर रहे थे तो वो जो है वुड से बना हुआ था, राइट, वो वुडन प्लोशर था। बट अब जो है यहाँ पे क्या रहता है कि ये आयरन का भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, डैट की ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशर्स। तो सबसे ज्यादा जो है ये आयरन का ही हल यूज किया करते थे। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो आयरन से बने हुए हल का यूज करेंगे तो जो हैवी एंड जो क्ले सॉइल होती है उन्हें जो है अच्छे से ये टर्न ओवर कर सकते हैं, ओके, एंड सो डैट की जो ग्रेन है वो अच्छे से प्रोड्यूस हो सके। एंड सेकेंड चेंज यहाँ पे क्या आता है, डैट दे बिगेन ट्रांसप्लांटिंग द पैडी, राइट। तो पैडी ट्रांसप्लांटेशन का भी ये काम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो दिस मीन डैट इंस्टेड ऑफ स्केटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड, तो अब पैडी को ट्रांसप्लांट किस तरह से किया जाता है, पहले ये क्या करते थे, जो सीड है, राइट, जो बीज होता है उसे ग्राउंड पे ऐसे ही बिछा देते थे, राइट, तो फ्रॉम विच दी प्लांट्स वुड स्प्राउट, जिससे जो है बाद में काफी समय के बाद में एक छोटा सा प्लांट जो है वो निकलता था, वो उगता था। बट अब क्या है, इस तरह से ये नहीं करते थे। जो पैडी ट्रांसप्लांटेशन उसमें क्या होता है, एक पहले से छोटे छोटे जो सैपलिंग्स होती हैं, राइट, जो पौधे होते हैं जो कि ऑलरेडी ग्रो होते हैं, उन्हें जो है फील्ड्स में प्लांट कर दिया जाता है, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इनकी, एंड जो प्लांट्स है वो ज्यादा देर तक सर्वाइव भी कर पाते हैं। बट ये जो काम था इस तरह से ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी, ये जो है एक तरह से बैक ब्रेकिंग वर्क था, मीन आपकी कमर तोड़ने वाला काम था, काफी ज्यादा मेहनत वाला ये काम था। तो जनरली जो स्लेव मैन एंड वुमेन होते हैं, जिन्हें दास या दासीज बोला जाता था, या फिर जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं जिन्हें कमाकारास बोला जाता था, तो ये क्वेश्चन भी जो है यूपीएस प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है कि जो कमाकारास का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं दे आर नोन एज दी कमाकारास, ओके, तो दे हैड टू डू दिस वर्क, उन्हें जो है ये काम अब करना होता था पैडी ट्रांसप्लांटेशन का। सो नाउ अब हम यहां पे थोड़ा सा क्लोजर लुक देख लेते हैं एक महाजन पर जो कि सबसे फेमस था, जिसका नेम है मगध, राइट। तो मगध जो है इतना ज्यादा फेमस क्यों होता है, ये क्वेश्चन भी जो है यूपीएससी मेंस में भी जो है कई बार पूछा गया है। सो इसमें क्या रहता है कि आप कौन कौन से पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 इयर्स, अराउंड 200 साल के बीच में ये जो मगध एरिया है वो काफी ज्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा फर्टाइल एरिया था। पहला तो रीजन ये रहता है, काफी ज्यादा फर्टाइल एरिया था। फर्टाइल एरिया क्यों था, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स है गंगा एंड सोन, वो मगध में से ही फ्लो करती थी, एंड ये जो दोनों रिवर्स थी वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट थी, वाटर सप्लाई के लिए भी इंपॉर्टेंट थी, एंड जो लैंड थी वो ज्यादा फर्टाइल थी, एंड इवन जो है मगध के कुछ पार्ट्स जो थे वहां पे फॉरेस्ट भी काफी ज्यादा थे। ऑब्वियसली अगर फॉरेस्ट यहाँ पे ज्यादा है तो फॉरेस्ट में से जो एलिफेंट्स हैं जो कि फॉरेस्ट में रहा करते थे उन्हें इजीली कैप्चर किया जा सकता था, एंड बाद में जो है वो उन्हें आर्मी में यूज कर सकते थे ट्रेंड करके। तो जो फॉरेस्ट है वो यहाँ पे घर को बनाने के लिए लकड़ी भी प्रोवाइड करवाएंगे, कार्ट्स बनाने के लिए, चैरियट्स बनाने के लिए भी लकड़ी प्रोवाइड करवाएंगे, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आयरन ओर की जो माइंस होती हैं, राइट, वो भी काफी ज्यादा अवेलेबल थी। तो इन आयरन ओर को यहाँ पे यूज किया जा सकता था टू मेक अ स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड दी वेपन्स, राइट। देन उसके बाद में मगध जो है उसके पास दो पावरफुल रूलर्स भी थे, पहले थे बिंबिसारा एंड दूसरे थे अजातशत्रु। तो ऑब्वियसली किसी अगर कोई आपके पास पावरफुल रूलर है तभी आपका जो एरिया है वो डेवलप हो सकेगा, तो उनके बिना ये डेवलप नहीं हो सकता। भले ही आपके पास रिसोर्सेज जो है ज़्यादा अवेलेबल हैं, बट उन रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइज करने वाला पर्सन भी आपके पास होना चाहिए। तो डैट इज़ वाई मगध के पास जो है दो पावरफुल रूलर्स थे, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु, जिनकी वजह से जो मगध एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है राइज हुआ था, राइट। तो हु यूज्ड ऑल द पॉसिबल मीन्स टू कंकर अदर जनपद्स, तो जिन्होंने हर तरीका यहाँ पे अपनाया था दूसरे छोटे मोटे जनपद्स को अपने एरिया में मिलाने के लिए। देन उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट रूलर थे महापद्मनंद,
वो भी जो है काफी इंपॉर्टेंट थे, काफी एबल रूलर थे इनके मगध के। तो उन्होंने जो है जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, वहां तक जो है अपने कंट्रोल को एक्सटेंड कर लिया था। एंड राजगृहा जो कि प्रेजेंट डे राजगीर एरिया है बिहार में, वो जो है मगध की कैपिटल रहता है फॉर दी सेवरल ईयर। काफी समय तक जो है ये राजगृहा इनकी कैपिटल थी, बट बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था टू दी पाटलिपुत्र जो कि प्रेजेंट डे पटना में है। सो अराउंड मोर देन 2300 years एगो एक रूलर थे। ये जो यहाँ पे अगर बात करें मगध के रूलर्स की, ये इतने ज्यादा पावरफुल रूलर थे, उनकी एक कहानी भी यहाँ पे फेमस है। 2300 years एगो एक रूलर थे जिनका नेम था अलेक्जेंडर, जो कि मैसेडोनिया में रहते थे यूरोप में। तो उनका मेन एम यही था कि वो जो है पूरे वर्ल्ड को कंकर करें। तो ऑफकोर्स वो जो है पूरे वर्ल्ड को तो कंकर नहीं कर सकते थे, बट इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया जो एरिया है, राइट, जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, वहां तक ये पहुंच ही जाते हैं। एंड देन जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ अपनी नजर गड़ाते हैं। तो जब ये व्यास नदी के किनारे पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, तो वो जो है अब ईस्टर्नवर्ड जो है मार्च करने की कोशिश करते हैं, राइट। ईस्ट वर्ड मीन ईस्टर्न जो पार्ट हमारे भारत का, वहां तक जो है ये पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इनके जो सोल्जर्स हैं अलेक्जेंडर के, वो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम जो है आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें डर था, क्योंकि उन्होंने जो है मगध के रूलर्स की जो बहादुरी की कहानियां थी वो सुन रखी थी पहले ही थी। एंड देन दे वर स्केयर्ड, वो डर जाते हैं। एंड एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ द इंडिया हैड वास्ट आर्मीज, इनके पास काफी ज्यादा आर्मीज हैं, फुट सोल्जर्स हैं, चारियट्स हैं इनके पास, एलिफेंट्स हैं इनके पास, तो वो डर जाते हैं, वो पीछे हटना चाहते हैं। सो नेक्स्ट है, एक और क्लोजर लुक देख लेते हैं जो नेक्स्ट महाजनपद था, दैट इज दी वाजी। तो मगध जो है वो एक पावरफुल किंगडम था। वाजी जो है, अब वाजी जो है वो भी काफी पावरफुल एक हम बोल सकते किंगडम था। एंड इसकी जो कैपिटल थी वो वैशाली थी, दैट इज लोकेटेड इन द बिहार। एंड यहाँ पे जो है एक डिफरेंट फॉर्म की गवर्नमेंट थी, जिस गवर्नमेंट को हम क्या बोल सकते थे, गणा और संघ बोल सकते थे। गना क्या होता है, गना एक पूरा ग्रुप होता है जिसके काफी सारे मेंबर होते हैं, इज यूज फॉर अ ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके कई सारे मेंबर्स होते हैं। एंड संघ क्या होता है, मींस ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली सेम चीज होगी, यहाँ पे एक ग्रुप है जिसके कई सारे मेंबर्स हैं, तो उसी को ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन भी बोला जाता है। तो ये जो गना या फिर संघ वाली गवर्नमेंट होती है, इसमें क्या था, कोई एक सिंगल रूलर नहीं था, यहाँ पे कई सारे रूलर्स थे किसी पर्टिकुलर एरिया के। समटाइम इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर, तो जब यहाँ पे कई सारे जो लोग हैं वो टुगेदर इकट्ठे यहाँ पे रूल करते हैं, मीन एक पूरी ये टेरिटरी है, राइट। तो इन पूरी टेरिटरीज के यहाँ पे जो है कई सारे और छोटे छोटे एरियाज हैं, हम बोल सकते हैं ये छोटे छोटे एरियाज हैं। तो ये छोटा सा एरिया है, इसका रूलर अलग है, ये जो छोटा सा एरिया है इसका रूलर अलग है, इस तरह से हर एरिया के जो रूलर्स हैं वो यहाँ पे अलग है। बट इन इन सभी रूलर्स ने मिलके, मीन ये सभी रूलर्स जो हैं इन्होंने मिलके एक यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है। एंड ये जो है इकट्ठे मिलके, मीन एक एसोसिएशन इन्होंने बनाई हुई है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो ये इकट्ठे मिलके यहाँ पे रूल कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन जो है किसी एक रूलर के ऊपर, एक रूलर की टेरिटरी के ऊपर हमला करेगा, तो ये सारे जितने भी यहाँ पे रूलर हैं वो इसकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से पूरा एक इन्होंने ग्रुप यहाँ पे बना रखा था, पूरा संघ यहाँ पे बना रखा था। तो थाउजेंड्स ऑफ मैन जो है जब इकट्ठे यहाँ पे रूल करते हैं, तो ईच वन वॉज नोन एज अ राजा, हर को राजा बोला जाता था। सो दीज राजा परफॉर्म द रिचुअल्स टूगेदर, ये जो सारे राजा थे वो हर तरह के रिचुअल्स जो है इकट्ठे परफॉर्म किया करते थे, असेंबलीज बनाई हुई थी वहां पे मिलते थे, एंड वहां पे डिसाइड करते थे क्या करना है क्या नहीं करना है, डिस्कशंस होती थी, डिबेट्स यहाँ पे हुआ करती थी। एंड इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, अगर किसी भी एक के ऊपर अटैक होता है, सो दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट दी थ्रेट, तो ये यहाँ पे डिस्कस करते थे इन एसोसिएशन में कि हमें, या फिर इन असेंबलीज में, कि हमें जो है आगे क्या करना है। हाउएवर वुमेन दास एंड कमाकारस जो है वो इन असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। सो दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ये जो वाजी संघ या फिर जो असेंबलीज हुआ करती थी इनकी, तो वहां पे जो दास होती है, वुमेन होते हैं, या फिर जो कमाकारस होते हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, वो इन असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट, जो दोनों बुद्ध एंड महावीर हैं, दे बिलोंग टू दी गनास और दी संगा। तो जो दोनों, जिनके बारे में हम जो है नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो दोनों ही जो है यहीं से बिलोंग करते हैं, इन्हीं गन और या फिर संग से जो है वो बिलोंग करते हैं। सो बुद्धिस्ट बुक्स में हमें जो है गनज या फिर संगज की कई सारी जो कहानियां हैं वो हमें देखने को भी मिल जाएंगी। एंड कई सारे पावरफुल किंगडम्स थे ऐसे, यहाँ पे कई ऐसे जनपद थे या फिर महाजनपद थे जिन्होंने इन संगज को कंकर करने की कोशिश की थी, बट फिर भी जो है ये अराउंड इन्होंने 1500 साल तक जो है यहाँ पे रूल किया था। कोई भी रूलर जो है इन्हें हराने के लिए एक तरह से इतना योग्य नहीं था, राइट? बट बाद में एट द एंड गुप्ता रूलर्स जो थे उन्होंने जो है इन्हें हराया था। सो विद दिस वी हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो। चैप्टर नंबर 6 जो है वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7, तो जिसमें हम जो है कुछ नए आइडियाज एंड नए क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। थोड़ी सी हमारी सोसाइटी में और डेवलपमेंट हो रही है, लोगों के माइंड में जो है अब क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, नए जो है रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में भी देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो, राइट? सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।